नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? मैं पूछ रहा हूं तो आप शायद सोच रहे हो कि सर क्या बताएं, कब से इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का कि जब हमारी CUT UG हमारी आंसर की रिलीज कर देगा CUT के एग्जाम की, लेकिन वो घड़ी आ ही नहीं रही है। और इसीलिए मैंने थंबनेल बिल्कुल सही बनाया कि क्या CUT के आंसर की नहीं आएगी। भाई कब से विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, कम से कम कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो जवाब दो, कुछ तो रिस्पॉन्स दो, कुछ नोटिस दो, कुछ तो रिस्पॉन्स दो, बच्चों को बताओ कि भाई इस वजह से डिले हो रही है, ये कारण आ रहे हैं, ये रीजन हो सकते हैं, कुछ तो बताइए ना। विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, और आप YouTube पर देखेंगे तो न जाने कितने वीडियो इसके आ चुके हैं कि CUT के आंसर की आ जाएगी, कल आएगी, ये आएगी, और बेचारे विद्यार्थी भाग रहे हैं पीछे। इसलिए मैंने लिखा है कि CUT के आंसर की नहीं आएगी, है ना, इंतजार करना बंद कर दें। भाई NTA से रिक्वेस्ट है कि कम से कम कुछ तो अपडेट करें। मैं भी दिन में सुबह शाम दोपहर में ये चेक कर लेता हूँ इसको खोल करके, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT UG 2024, लेकिन इस पर वही पुराना घिसा पिटा जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 15 मई से लेके जो 29 मई का लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था, वही आपका लाइव चीज़ें आ रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये एडमिट कार्ड इज़ लाइव फ्रॉम एग्जाम शेड्यूल ऑन 29 मई 2024 फॉर CBT मोड, और इसको देखता हूँ तो फिर वापस मैं बाहर आ जाता हूँ। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो भी चीज़ें हैं क्लियर होनी चाहिए, डिले हो रहा है उसका रीज़न बताना चाहिए कि इस वजह से हो रहा है। भाई मान लो लग रहा है कि अभी इश्यू आया था कि जो नीट का एग्ज़ाम आया था उस पर इश्यू आया था, तो उसको लेकर के इस तरह से अगर मान लो कि कोई अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं कि नहीं भाई जो CUT UG के आंसर की रिलीज़ करते हैं उस CUT UG के आंसर की में कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आए, विद्यार्थियों को एकदम एग्जैक्ट सही तरीके से मिल जाए, सही समय पर हो जाए सारा काम, इस वजह से डिले हो रहा है, कौन से रीज़न हो रहे हो कम से कम बताया जाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम न्यूज़ को देख सकते हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देख सकते हैं। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हम देखते हैं तो मैं हिंदुस्तान टाइम्स को खोलता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर CUT UG रिजल्ट 2024 लाइव CUT आंसर की रिलीज अवेटेड एट exams.nt.ac.in July 4 आज का ये मॉर्निंग का ये है, इसमें भी कोई खास अपडेट नहीं मिल रहा है। अगर मैं दूसरे वेबसाइट को खोल करके दूसरे न्यूज़पेपर को खोल के देखता हूँ यहाँ पर, तो वहाँ पर थोड़ा सा जरूर एक कह रखा है, ये इंडियन एक्सप्रेस है, इसमें जरूर बता रहा है कि NTA CUT UG आंसर की 2024 लाइव अपडेट्स, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल इशू द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस द टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2024 प्रोविजनल आंसर की दिस वीक। ये कह रहे हैं कि भाई इस वीक आने की संभावना, इस वीक आ सकती है। अब न्यूज़ जो रिपोर्टर्स हैं वो हो सकता है अधिकारियों से, NTA के अधिकारियों से, ऑफिशियल जो अधिकारी उनसे बातचीत की होगी, भाई कुछ अंदाज़ा दीजिए ताकि हम भी थोड़ा बच्चों को कह सकें कि आपके आंसर की जो इस समय आने वाली। लेकिन हम वापस अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें कोई अपडेट नज़र नहीं आता है, वेबसाइट पर जाते हैं तो कोई अपडेट नज़र नहीं आता है। इसलिए मैंने कहा कि भाई क्या आंसर की रिलीज नहीं करने वाले हैं आप, बच्चों का एडमिशन समय पर नहीं करने वाले हैं क्या? बहुत सारे बच्चों का यही सवाल है जो मेरा सवाल है, तो समाधान होना चाहिए। तो NTA प्लीज़ जब भी आंसर की रिलीज करो तो उससे पहले कब बच्चों को बता दो, एक बार थोड़ा सा तसल्ली दे दो, एक कह दो कि भाई ये नोटिस है इस टाइम पीरियड में, इस वीक में ये चीज़ आ जाएगी, आप शांत हो जाइए, बार बार वेबसाइट चेक करने की जरूरत नहीं, आप तसल्ली से अपना और कोई काम कीजिए, प्लान कर लीजिए आपकी जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, जिस कॉलेज के लिए जा रहे हैं वहाँ का थोड़ा सा देख लीजिए कैसे क्या है, और कोई आपको तैयारी करनी है वो कर लीजिए। बार बार वेबसाइट पर जाकर के ये मेंटली जो प्रेशर बच्चों को आ रहा है ये बच्चों को ना आए, इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ अपडेट दे दीजिए, कुछ बता दीजिए बच्चों को ताकि उस समय ही जाकर के उसको देखा जाए, बार बार उनको डिस्टर्बेंस न रहे। खैर क्या कर सकते हैं विद्यार्थियों, हम आपके साथ में हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जैसे आंसर की आती है, प्रोविजनल आंसर की आती है, उम्मीद करता हूं जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हैं आपको मनपसंद आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में इस वीडियो को मैं यहीं प्रेजेंट करता हूं। थैंक यू सो मच।